ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री को पकड़ा है। पुलिस को अवैध शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में तैयार शराब, होलोग्राम, पैकिंग मटेरियल, मशीन सहित शराब बनाने में प्रयोग होने वाली ओपी भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फैक्ट्री संचालक की तलाश जारी रखी है। पुलिस ने बताया कि पुरानी छावनी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टोन पार्क के पास एक मकान में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस ने यहां छापामार कार्रवाई की। पुलिस को यहां से ओपी से तैयार करीब 25 पेटी देशी शराब मिली और कई कैनों में भरी ओपी मिली, जिससे और शराब बनाने की तैयारी थी। पुलिस ने यहां से रैपर, होलोग्राम, पैकिंग मशीन भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए सभी सामान की कीमत करीब 1.5 लाख रुपये के करीब है। यह वह शराब फैक्ट्री थाना बहुड़ापुरा निवासी शिवम अग्रवाल की बताई गई है, जिसे पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। स्टोन पार्क के पास पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें तकरीबन 25 पेटी तैयार शराब, जिस जो देसी लाल सफ़ेद के क्वार्टर्स मिले हैं, इसके अलावा पैकिंग की मशीन, होलोग्राम्स, रैपर और अन्य सामग्री मिली है। एक कैन ओपी भी मिली है। इसमें आरोपी शिवम अग्रवाल की तलाश की जा रही है और अभी मौके पे कार्रवाई जारी है। अभी मौके पे कितने आरोपी मिले? मैंने आपको बताया, अभी आरोपी की तलाश जारी है। सर, ये पता किया कहाँ पर थाने जाती थी? ये अभी पूछताछ की जा रही है और अन्य इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने आएंगी। गौरतलब है कि इंदौर, मंदसौर और खरगोन में नकली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है, जिसके चलते अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।